सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल 10 मार्च 2022 को चुनाव के नतीजे आ गए और भाजपा ने जो है उत्तर प्रदेश में भारी जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जो है जीत की हार्दिक बधाई कि उन्होंने यूपी में इतनी सीट जो है जीतने में सफलता हासिल की। साथियों, अब जो है चुनाव में जो है पहले से सब कुछ फिक्स हो जाता है। जैसे कि पहले परीक्षाओं में होता था नौकरियों के लिए, सपा की गवर्नमेंट में होता था, ज़्यादातर सीटें फिक्स रहती थी। नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होता था वो केवल फॉर्मेलिटी होता था। उसी तरह अब जो है चुनाव में भी सब कुछ जो है फिक्स होने लगा है। हमें याद है बनारस में जब आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का रैली हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था अखिलेश यादव 10 तारीख के बाद आप जो है ईवीएम चिल्लाइएगा और उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हुआ वही जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा, 10 तारीख को जो है रिजल्ट आ गया चुनाव का और सपा जो है बुरी तरीके से हार गई। और बसपा का तो कहीं जो है अता पता नहीं चल रहा, कहाँ चला गया। हालांकि उसका माहौल भी उसी तरह बन गया था जो उसका परिणाम आया है। उसके वोटरों ने जो है जो उनके घर राशन भी जो है उसका साथ दिया और इस तरह से जो है बसपा जो है बुरी तरीके से हार गई। पूरे यूपी में उसका कुछ अता पता नहीं लगा। अंबेडकर नगर की हाल तो सबसे जुदा है। यहाँ पर बसपा का गढ़ माना जाता था, यहाँ पर 5 सीट निकलती थी बसपा का, लेकिन यहाँ 2 मंत्रियों को निकाले जाने के बाद श्री लालजी वर्मा और आपके जो राजभर जी हैं इनको निकालने का ऐसा परिणाम हुआ कि अंबेडकर नगर से बसपा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गई और 5 सीट जो है सपा के पाले में आ गया। यहाँ पे जो है नौकरियों के लेके बहुत जद्दोजहद रहता लोगों के मन में। तो इधर बस भाजपा गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ हुई आप देख ही रहे हैं, कितनी भर्तियाँ हुई कितनी नहीं हुई, तो इससे बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और यहाँ के लोग जो है भाजपा से काफ़ी असंतुष्ट थे। इस वजह से उन्होंने सपा का साथ देना उचित समझा और बसपा के पाले में जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। तो यही सब जो है हो रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और फिर से योगी आदित्यनाथ जी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस बार जो है स्टूडेंट के लिए जो है कुछ अलग करेंगे, ये आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद।